दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से समझना इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो का टॉपिक है सेफ शॉप के फील्ड पे आपको जो प्रॉब्लम जा रही है, सेफ शॉप बिजनेस करते वक्त जो प्रॉब्लम जा रही है, प्लान शो करने के बाद में आपको जो प्रॉब्लम जा रही है, फॉलोअप लेने में जो प्रॉब्लम जा रही है, फॉलोअप में आपको कहाँ पे दिक्कत जा रही है, प्रोडक्ट सेल करने के वक्त आपको कहाँ पे दिक्कत जा रही है, कस्टमर आपको क्या मांग रहा है, आगे वाला बंदा आपको किस प्रॉब्लम के वजह से क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टली उस व्यक्ति तक के पहुंचाना जरूरी है जो व्यक्ति इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सका है। तो इसी के बारे में इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स आपको जा रही है वो कंपनी तक के किस प्रकार से पहुंचाना है, डायरेक्टर तक के किस प्रकार से पहुंचाना है, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इस वीडियो को इसीलिए मैंने बनाया है क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है दोस्तों, ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम चल रही है वो ऊपर कंपनी को पता ही नहीं रहता, सबको लगता है सब सही चल रहा है, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम चल रही है वो हम बता नहीं पाते, हम बताते नहीं हैं, ठीक है। इसी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पाती और प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्योंकि कंपनी या डायरेक्टर का तो एक ही गोल है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लोगों को सेटिस्फैक्शन देना, जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन हो, सही तरीके से काम कर पाए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें, तभी जाके कंपनी का सेल ग्रो होगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम को बताना कोई गलत बात नहीं है, और किस प्रकार से फॉर्मली कंपनी तक के हमारे प्रॉब्लम पहुंचाई जा सकती है डायरेक्टली, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरा प्रोसेस देख लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सेफ शॉप के हर टॉपिक पर वीडियो बनाते रहे दोस्तों, इसलिए आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना अगर ये हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगता है वीडियो का, तो ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे हमने एक सर्वे डाला था कि आपको सेफ शॉप में कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है, और उसके अंदर कुछ बटन्स रखे थे। सबसे पहले बटन था दोस्तों प्रोडक्ट प्राइस का, उसके बाद में प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट वेराइटी, इनकम प्लान, या उसके बाद में एक बटन रखा गया था मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में और एक बटन था मैं मेरी प्रॉब्लम कमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे 9 लोगों ने कमेंट भी किया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक वोटिंग करना था कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों ने यहाँ पे वोटिंग भी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 61% लोगों को प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर प्रॉब्लम जा रहा है, उसके बाद में 4% लोगों को प्रोडक्ट कैटेगरीज में प्रॉब्लम जा रहा है, उसके बाद में 6% लोगों को इनकम प्लान में प्रॉब्लम जा रहा है, और 4% लोगों ने अपना प्रॉब्लम यहाँ पे कमेंट किया है, ठीक है। और यानी कि टोटल 75% लोगों को सेफ शॉप में काम करते वक्त कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो इस प्रकार से ये लोग भी सही तरीके से सेफ शॉप में काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम जा रहा है तो ये कुछ गलत है क्या, कुछ कंपनी के लिए नेगेटिव बात है क्या, या हम कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने के लिए इस वीडियो को बनाया है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कंपनी के लिए कुछ नेगेटिव बात करने के लिए या आप लोगों को नेगेटिव करने के लिए इस वीडियो को नहीं बनाया है, क्योंकि दोस्तों जब तक कि आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही है, आपको कुछ बीमारी है या आपकी तबीयत खराब नहीं है, आप डॉक्टर को प्रॉपरली बताएंगे नहीं तब तक कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी आपकी तबीयत अच्छी नहीं होंगी। तो यानी जो भी आपको प्रॉब्लम जा रही है वो कंपनी के लीडर तक के या डायरेक्टली कंपनी तक के, कंपनी के डायरेक्टर तक के नहीं पहुँचाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, यानी कि आपका बिजनेस सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम सेफ शॉप में ही चल रही है, हर कंपनी में, हर मैनेजमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ग्राउंड लेवल पे चलती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर में बात करनी पड़ती है, ऊपर तक के पहुँचाना पड़ता है, तभी जाके सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कुछ मोर्चा नहीं निकालना है या कुछ आर्गूमेंट नहीं करना है, फॉर्मली लीगली सही तरीके से हमारी प्रॉब्लम वहाँ तक के पहुँचानी है ताकि सॉल्व हो जाए और अपना बिजनेस बढ़े, साथ ही साथ अपनी टीम का भी बढ़े और सभी लोगों को फायदा मिले। तो इन प्रॉब्लम को किस प्रकार से पहुंचाना है इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ प्रोडक्ट वैरायटी से प्रॉब्लम है लोगों को, इनकम प्लान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम जा रही है, तभी जाके लोगों ने यहाँ पे वोटिंग की है। जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि कमेंट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कमेंट में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम लगे मुझे, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साईनाथ कडारे, इन्होंने का कुरियर चार्जेस का प्रॉब्लम है इनको कुरियर, तो यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों कुरियर चार्जेस में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी कंपनी कुरियर चार्जेस ले रही है वो सही कुरियर चार्जेस है, आप
कहीं भी जाए, कुरियर करे या किसी कुरियर के माध्यम से कुछ भी चीज़ें बेचेंगे या किसी को भेजेंगे तो कुरियर चार्जेस उतना ही लगेगा, तो कुरियर में कुछ कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। कुरियर चार्जेस अगर कंपनी ने फ्री कर दे यहाँ पे सभी प्रोडक्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देंगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी फ्री में तो नहीं देंगी, कुछ लॉस तो नहीं, खुद लॉस तो नहीं लेंगे ना, तो कुरियर चार्जेस में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, फिर भी आप प्रॉब्लम कंपनी को बता सकते हैं। और इसी प्रकार से कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि जो भी प्लान है वो फ्रेशर लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लीडर्स के लिए बेनिफिशियल है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। तो अपने अपने प्रॉब्लम लोगों ने लिखी है और इसी प्रकार से सर्वे में बताया है। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट प्राइस को आया है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को प्रोडक्ट प्राइस में जा रही है ऐसा उनका कहना है। तो प्रोडक्ट प्राइस से रिलेटेड इशू आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम कंपनी तक के किस प्रकार से पहुंचाएंगे अभी हम हमारा अगला स्टेप देखेंगे। लेकिन यहाँ तक क्या आए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हूँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम सेफ शॉप के वेबसाइट पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, आप सभी लोगों को पता है सेफ शॉप का वेबसाइट, और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, उस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और अपना प्रॉब्लम कंपनी तक के पहुँचाने के लिए ग्रीवेंस सेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यह ऑप्शन कंपनी ने इसीलिए रखा है दोस्तों ताकि आपको जो भी दिक्कत जा रही है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है कंपनी में बिजनेस करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको रखा गया है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हम प्रॉब्लम बताते नहीं है, बताने में शर्मा जाते हैं या कैसे कहेंगे कि कैसे, बहुत लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम बताना यानी आर्गुमेंट करना हो गया या अपोज में जाना हो गया, ऐसा लगता होगा बहुत सारे लोगों को। नहीं दोस्तों, कंपनी भी यही चाहती है, इसीलिए इसको रखा है यहाँ पे, इसीलिए इस बटन को, इस ऑप्शन को रखा है, क्योंकि डायरेक्टर को नहीं पता ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम जा रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही ऊपर के लोग बैठे हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ेगा, ये कंपनी को पता है, डायरेक्टर्स को पता है, और आपका बिजनेस बढ़ेगा तो डायरेक्टली कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, ये भी कंपनी को पता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही उन्होंने ये ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आपको फिलअप कर देना है दोस्तों, आपको यहाँ पे नाम लिखना है अपना, उसके बाद में ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद में टेलीफोन डालना है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप यूज़र आईडी डाल सकते हैं, या तो आपका कोई किसी ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल दीजिए, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे और मैसेज लिखना है। जैसे कि यहाँ पे किसी को कुरियर चार्जेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप कुरियर चार्जेस लिख सकते हैं, कुरियर चार्जेस, तो आप अपने यहाँ पे इश्यूज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना इश्यूज लिख सकते हैं कि सर मैं ऐसा ऐसा, मैं इस लेवल पे इस सिटी से काम कर रहा हूँ और लोग कहते हैं कि सर कुरियर चार्जेस में प्रॉब्लम जा रहा है, कुरियर चार्जेस लोग नहीं देना चाहते, कुरियर चार्जेस की वजह से लोग रीपर्चेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो कुरियर चार्जेस में कुछ कम कर दिया जाए या कुछ लेवल पे ऊपर डिलीवरी फ्री कर दिया जाए, ऐसा आप इश्यूज रख सकते हैं। उसके बाद में आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, किसी को प्रोडक्ट के रेट से रिलेटेड है, तो अपना मैसेज, अपना जो भी आपको ओपिनियन लगता है वो अपना ओपिनियन यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। अब बहुत लोगों का ये भी कहना होगा कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या ऐसा तो रहता ही है, नहीं हुआ तो। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, तो सभी लोगों ने अगर मिलकर किया तो उसका प्रभाव अलग गिरता है, एक व्यक्ति करेगा तो उसका प्रभाव नहीं गिरेगा। लेकिन जब भी आप अपना अपना प्रॉब्लम लिखेंगे और कंपनी के पास में ये सारी क्वेरीज जाएंगे तो कंपनी को लगेगा सही, जेन्युइनली ये नोट आया है और प्रॉब्लम सही में चल रहा होगा, उसके बाद में कंपनी उसके ऊपर कुछ इंक्वायरी करेंगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगी। और मेजॉरिटी जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे कंपनी के पास में जाएंगे उसके ऊपर 100% सोल्यूशन होगा, क्योंकि कंपनी को भी अपना बिजनेस ग्रो करना है और हर कंपनी यही चाहती है दोस्तों कि जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम चल रहे हैं उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाए, जड़ से मिटा दिया जाए, ताकि कंपनी का बिजनेस बढ़े और ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। आप अपनी क्वेरी कंपनी को भेज रहे हैं यानी कि कंपनी के फायदे की बात है, ये किसी के नुकसान की बात नहीं है या किसी के अपोजिशन में या किसी आर्गुमेंट या किसी को आर्गुमेंट करना नहीं हो गया है या किसी के अपोजिशन में बात करना नहीं हो गया, ये कंपनी के फायदे के लिए बात है, सबके फायदे के लिए। तो अपना अपना क्वेरी यहाँ पे डाल के आप सबमिट कर दीजिए। आपको लगता होगा अपना नाम डाल दिया तो क्या होगा, फिर हमारे सीनियर को बताएंगे और ये कंपनी के खिलाफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप बिंदास यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम जा रही है, और कंपनी को भेज दीजिए, कंपनी उसके ऊपर सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, मेजोरिटी प्रॉब्लम पे जल्द से जल्द सोल्यूशन मिलेगा और आपको अपना बिजनेस करने के लिए आसानी हो जाएगी, आपको सोल्यूशंस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए और ये यहाँ पे आके अपनी क्वेरी सबमिट कर दीजिए ताकि मेजॉरिटी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज जाएंगी तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
दोस्तों देखिए हमारा ये चैनल है, हमने सेफ शॉप के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं। इसके प्लेलिस्ट के लिंक पर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है सेफ शॉप के सारे वीडियोस की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको कहाँ पे बिजनेस में प्रॉब्लम जा रही है, कौन सा टॉपिक प्लान में का समझ में नहीं आया है, स्पेशल स्पेशल टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद दोस्तों।